क्या हाल है गाइस, आप सभी लोगों के आई होप आप एकदम बड़े होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो गाइस आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, साथ ही साथ गाइस काफी ज्यादा हेल्पफुल भी होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं या फिर गाइस जिन लोगों के इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इंटरेस्ट है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया एक ग्लू रिमूवर टूल जो कि गाइस काफी बड़े क्वालिटी के एंड काफी सस्ता भी है। एंड इसको मैंने कहां से खरीदा सब आपको बताऊंगा इस वीडियो को पहले लेकर आता हूं, क्योंकि काफी ज्यादा मजेदार वीडियो होने वाला है, काफी ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आप ऐसी मजेदार वीडियो आने वाली मजेदार वीडियो देख पाओ एंड गाइस उनका फायदा उठा सको। चलो फिर फटाफट से आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्लू रिमूवर टूल मशीन कुछ भी कह सकते हो, तो ये मैंने कौन सी कंपनी से खरीदा, तो ये गाइस मैंने बाबा टूल्स वेबसाइट से खरीदा है। एंड गाइस जो है ये काफी बढ़िया क्वालिटी का ग्लू रिमूवर टूल है। एंड मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग गाइस मोबाइल रिपेयरिंग के रिलेटेड काम वगैरह करते हो या फिर गाइस आप इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड काम वगैरह करते हो, तो आप लोग जो है इजिली बाबा टूल्स वेबसाइट के ऊपर आराम से मोबाइल रिपेयरिंग का कोई भी सामान है, वो टूल है या फिर मशीन है, वो सब चीजें आप जो है बाबा टूल्स वेबसाइट ऊपर खरीद सकते हो बिना किसी दिक्कत के। आपको गाइस जो है इस वेबसाइट के ऊपर जो है हर तरीके का इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड प्रोजेक्ट वगैरह बनाने का सामान मिल जाएगा, मोबाइल रिपेयरिंग का टूल्स मशीन सब कुछ मिल जाएगा काफी सस्ते दाम के अंदर एंड काफी बढ़िया क्वालिटी के। जैसे कि गाइस आपको असेंबली रिमूवर मशीन मिल जाएगी, हॉट एयर गन मिल जाएगी, हीटिंग गन मिल जाएगी, सब तरीके का गाइस सामान आपको इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा काफी सस्ते दाम के अंदर काफी बढ़िया क्वालिटी का। तो आज मैं लेके आऊंगा गाइस आपके लिए एक ग्लो रिमूवर मशीन जो कि गाइस जो है मोबाइल रिपेयरिंग के अंदर काम आता है। तो आज हम देखने वाले हैं किस तरीके के इसे काम करता है, कैसा है, कौन सा है, मतलब का सब कुछ आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पहले लाइक कर देना, बहुत ही मजा आने वाला है। चलो फटाफट से गाइस इसकी अनबॉक्सिंग वगैरह शुरू करते हैं। यहां पे काफी सारी टेप लगी हुई है, तो चलो इस टेप को मैं फटाफट से उतार लेता हूं और फिर देखते हैं कैसा गाइस हमारा जो है ग्लू रिमूवर टूल आया है। फाइनली गाइस मैंने इसकी जो है पैकिंग उतार दी, बहुत ही बड़ी पैकिंग थी, एक नंबर पैकिंग कर रखी है इसकी। एंड गाइस मैं आपको अभी दिखाता हूं कि गाइस इसके अंदर क्या क्या फीचर है, कैसा है, सब कुछ आपको बताऊंगा, टेस्टिंग भी करके देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आपको मिल जाएगा लिखा हुआ बाबा टूल्स, क्योंकि इसकी ब्रांडिंग है, बाबा टूल्स कंपनी की तरफ से इसको मंगाया। तो अगर आप मंगाना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एक बार चेक जरूर करना। एंड इसका जो वर्क टाइम है वो 10 आवर का वर्क टाइम, मतलब 10 घंटे चलने वाला है। तो बहुत ही बढ़िया गाइस प्रोडक्ट है। एंड ये रिचार्जेबल भी है, इसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, चार्जिंग केबल वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो अभी गाइस मैं आपको धीरे धीरे इसके अंदर फीचर बता दूं, बहुत सारे फीचर है, आपको साइड में सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा क्या क्या इसके अंदर फीचर है, तो मैं आपको सब बताने वाला हूं। पहले नंबर पे गाइस मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर एक फीचर ये है कि इसकी आप स्पीड कंट्रोल भी कर सकते हो, मतलब जितनी जरूरत है उस हिसाब से आप इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही साथ गाइस इसके अंदर लाइट भी मिल जाएगी, लाइट का फायदा ये कि आप ग्लू अच्छे से देख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो लाइट है वो अलग तरीके की ग्रीन लाइट है इसके अंदर, जिससे हमें जो ना स्क्रीन की ग्लो इजीली दिखाई देती है, जो कि हमें नॉर्मल अच्छे से दिखाई नहीं देती। तो बहुत ही बढ़िया ये जो है हमारा ग्लो रिमूवर है। चलो अभी फटाफट से गाइस इसका जो बॉक्स ओपन करते हैं एंड फिर देखते हैं गाइस हमें इसके अंदर क्या कुछ देखने को मिलता है। तो बॉक्स यहाँ पे ओपन हो चुके हैं आपके सामने गाइस, मैं आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर में क्या क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है, देख सकते हो। ये रही गाइस हमारी मशीन, बहुत ही प्यारी सी एंड काफी ज्यादा क्यूट सी जो है यहाँ पे मशीन है। तो पीछे में आपको जो है इसके जो है माइक्रो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब आप सोचोगे इसके अंदर कुछ भी नहीं आया, तो कुछ भी नहीं गाइस, इसके नीचे सब कुछ यहाँ पे देखो तो इसके अंदर हमें जो है कटिंग ब्लेड मिल जाएगा। एंड गाइस साथ ही साथ हमें इसके अंदर जो है थोड़ी बहुत सेंडिंग करने के टूल्स मिल जाएंगे, ग्लू रिमूव करने का टूल मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, चार्जिंग केबल भी मिल जाएगी एंड सेंडिंग करने का और टूल मिल जाएगा, सब कुछ देखते हैं। चलो निकालता हूँ इसके अंदर से बाहर, इसको एक बार मैं साइड में रखता हूँ, पहले आपको टूल्स दिखा सकता हूँ हमें इसके अंदर क्या क्या बाबा टूल्स की कंपनी के अंदर हमें, मतलब जो है बाबा टूल्स की कंपनी का ये जो ग्लो रिमूवर है इसके अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। चलो इसको साइड रखते हैं और देखते हैं हमें क्या कुछ इसके अंदर देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पे गाइस फर्स्ट नंबर पे मैं आपको दिखा दूं, इसके अंदर में एक चार्जिंग केबल मिलती है जिसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। अब गाइस जो नेक्स्ट हमें इसके अंदर कुछ यहाँ पे जो है रोड वगैरह मिलती है, जिससे हम इजिली ग्लू वगैरह रिमूव कर सकते हैं स्क्रीन के अंदर, ठीक है। उसके बाद गाइस हमें कुछ इस टाइप का एक जो है यहाँ पे सेंडिंग करने के लिए जो है टूल मिल जाता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है काफी ज्यादा बढ़िया क्वालिटी का एक गाइस जो है छोटा सा कटिंग टूल, जिससे आप स्क्रीन को अच्छे से साइड से कट वगैरह कर सकते हो। उसके बाद हमें एक एलन की मिल जाती है, जिससे गाइस हमारी जो मशीन है इसके साइड में एक जो है एलन बोल्ट दे रखा है, जिसको हम इजिली खोल के या फिर टाइट करके इसके अंदर जो अटैचमेंट्स है वो चेंज वगैरह कर सकते हैं। गाइस ये सब चीजें हमें जो है हमारी इस ग्लू रिमूवर टूल किट के अंदर हमें देखने को मिल जाता है।
काफी सारे अलग अलग टूल मिल जाते हैं जो कि गैस आप अलग अलग कामों के लिए यूज में ले सकते हो एंड अपना काम आसान बना सकते हो। तो चलो अभी गैस इस टूल की टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं कैसा ये काम करती है। तो पहले गैस मैं इसके अंदर जो है ना यहाँ पे एक छोटा कटिंग ब्लेड जो है यहाँ पे लगा देता हूँ और इसके जो है मतलब इसके साथ ही ये जो एलन की आई है इससे गैस में इसका जो एलन बोल्ट है यहाँ पे टाइट कर दूंगा ताकि गैस ये जो टूल है ये बाहर ना निकल सके एंड लूज ना रहे। तो सबसे पहले गैस यहाँ पे आपको एक पावर स्विच मिल जाएगा, इसको आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है कुछ सेकंड के लिए। तो जैसे ही आप 2 या 3 सेकंड के लिए इसको प्रेस करोगे तो ये लाइटें जलने लग जाएगी, जिसका मतलब है इसकी चार्जिंग फुल है, ठीक है। और अगर इसका चार्ज खत्म हो जाता है तो इससे जो इसके साथ जो चार्जिंग केबल है उससे आप इसको चार्ज भी कर सकते हो पीछे, ठीक है। एंड अभी मैं आपको बताता हूँ इसके फीचर्स, इनके फीचर्स को कैसे यूज करना है सब आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट नंबर पे गैस हमें यहाँ पे आपको बता दूं कि इसके अंदर जो है 2 लाइटें मिलती हैं। तो 2 लाइटें, एक तो गैस यहाँ पे जो पावर वाला बटन है इसको जैसे आप प्रेस करोगे तो ये लाइट व्हाइट लाइट जल जाएगी, जिससे आप जो अंधेरे में भी अच्छे से काम कर सकते हो, अगर कम रोशनी है तो उसके अंदर भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। और दोबारा इसको प्रेस करोगे तो ये लाइट बंद हो जाएगी। उसके बाद आपको एक लाइट और मिलेगी आगे में, तो इसको जब आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे एक ग्रीन लाइट जलेगी। इस ग्रीन लाइट का फायदा ये है कि जब भी गैस जो ना स्क्रीन के ऊपर कोई भी ग्लू वगैरह लगी रहेगी तो वो आपको अच्छे से दिखाई देगी। अगर आप जो है इस लाइट के बिना गैस जो ग्लू देखोगे तो आपको अच्छे से जो है दिखाई नहीं देगी, बट इससे काफी अच्छे से विजिबल हो जाएगी। और अब बताता हूँ गैस कि इस मशीन को चलाना कैसे। इसको चलाने के लिए पहले तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे पावर ऑन करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा फॉरवर्ड एंड रिवर्स, जिसका जो है यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ FWD एंड REV, मतलब इसका यही है फॉरवर्ड या फिर रिवर्स। इसको चला सकते हो मतलब उल्टा सीधा चला सकते हो। साइड में गैस इसका एक कंट्रोलर मिल जाएगा जिससे गैस हम इसकी स्पीड को स्लो या फिर गैस काफी ज्यादा हाई भी कर सकते हैं, काफी स्पीड से चलने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे चलो मैं इसको कर देता हूँ फॉरवर्ड पे। तो फॉरवर्ड पे करने के बाद अगर ये बीच में रहेगा तो ये ऑफ रहेगा, इसकी मोटर वर्क नहीं करेगी। तो जैसे इसको फॉरवर्ड पे क्लिक कर दोगे तो इसकी मोटर जो चलने के लिए रेडी हो चुकी है। अब जैसे स्टार्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये गैस जो है हमारी मशीन चलना शुरू हो जाएगी, और अगर मैं इस साइड में करूंगा तो ये मशीन दूसरी तरफ रोटेट करेगी। तो दोनों तरफ ये रोटेट होती है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। और मैं इसको चलाते चलाते गैस इसकी स्पीड को आपको स्लो करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे तो इसकी बिल्कुल स्लो स्पीड है एंड जैसे जैसे बढ़ाऊंगा तो इसकी स्पीड स्लो एंड हाई दोनों ही हो जाती है एंड काफी मस्त ये काम भी कर रहा है। तो मैंने आपको इस टूल को चलाना सिखा दिया, अब गाइस बारी है इससे कटिंग करने की। तो चलो अभी देखते हैं गाइस ये कैसा काम करती है। तो मैंने गाइस इसको सेट कर दिया और अब गाइस जैसे मैं इसका बटन दबाऊंगा तो ये चलना शुरू हो जाएगी। तो चलो इसे कट करके देखते हैं हमारी मशीन मतलब स्क्रीन को। तो देखो गाइस काफी बड़े तरीके से गाइस यहाँ पे हमारी स्क्रीन को कट कर दे रही है, ठीक है। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से कहीं से भी अगर कट वगैरह करना हो तो आप इजीली तरीके से कट कर सकते हो। देखो यहाँ पे काफी बड़े तरीके से ये जो है कट कर दे रहा है, ठीक है। कहने का मतलब गाइस ये है कि इस टूल के द्वारा आप इजी तरीके से गाइस जो है आसानी से जो है यहाँ पे कटिंग कर सकते हो। एंड गाइस मैंने आपको बताया था पहले कि इसके साथ काफी सारे छोटे छोटे भी कटिंग टूल आए हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको बड़ी कटिंग करके दिखाई। मान लो आपको काफी बारीक बारीक कटिंग करनी है तो वो भी आप इसके साथ जो है इसके साथ जो अटैचमेंट्स आई हैं ये वाले इनको लगा के चेंज करके गाइस जो आप हर तरीके का काम या फिर हर तरीके की कटिंग आप इससे कर सकते हो। अब बारी गाइस इससे सैंडिंग करने के। चलो मैं आपको इससे जो है इस टूल के द्वारा यहाँ पे इसको जो है सैंडिंग करके दिखाता हूँ। फटाफट से मैं यहाँ पे टूल को चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैं जो है इसको हल्का सा खोलूंगा नट को तो ये निकल जाएगा और दूसरा वाला टूल आराम से लग जाएगा। और अब गाइस जो हम इससे जो है आराम से सैंडिंग कर सकते हैं। तो ये नट लग चुका है एंड अब बारी है गाइस इससे सैंडिंग करके देखने की कि गाइस ये जो है सेटिंग कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो दोनों मोड पे चलते हैं, मैं आपको चलो दूसरे मोड पे इसको चला के दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो ये गैस जो ना आराम से सेटिंग कर दे रहा है, देख सकते हो। देखो गैस यहाँ पे मैं जो आपको स्क्रीन के ऊपर चला के दिखाता हूँ इसको, तो काफी बड़ी तरीके से यहाँ पे देख सकते हो ये सेटिंग कर दे रही है, देखो यहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि गैस आप स्क्रीन से जो है सेंड करने लग जाओ, ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। जो लोग है जो मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं उनको जो है इस टूल के बारे में पता होगा कि ये किस काम में यूज में मतलब किस काम के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। तो उनको सब पता होगा तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से गैस आप इसके अंदर टूल अलग अलग टूल जो है चेंज करके अपने जो काम है वो कर सकते हो, जैसे कटिंग यहाँ पे ये सेंडिंग
एंड गैस इससे बारीक कटिंग करनी हो एंड इस टूल का भी यूज करके आप काम कर सकते हो। उसके बाद गैस जो है इससे आप ग्लो वगैरह भी इसके आगे जो है ये जो है टूल लगा के इससे आप जो है ग्लो वगैरह स्क्रीन के ग्लो को भी रिमूव कर सकते हो। तो बहुत सारे काम इससे आप कर सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड जाते जाते जो है बताना कमेंट करके कि ये आपको जो टूल कैसा लगा। एंड अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वेबसाइट का, तो एक बार चेक जरूर करना। चलो मिलते आपको नई वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।